हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये मेरे भीम लौट कर आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। फिर से पढ़ती हूँ, ए मेरे भीम लौट कर आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये कोई गाना है क्या? पता नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भीम तो नहीं था, सरदीप जी आप भी साथ में आ जाइएगा। अरे भाभी जी, हलवा पूड़ी भी बनाइए क्या? हलवा पूड़ी। संजय सिंह इन शीश मैन। बेचारा अरविंद केजरीवाल जेल में बैठा और अब असली मजे संजय सिंह ही ले रहा है। बाहर है वो। अच्छा एक और है, नूप। नूप नूप का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा अरे नहीं, 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 नहीं। आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। मोदी जी को पहले बता नूप क्या होता है। अगर मैं बोल दूंगा लेकिन आप ओ बोल रहे हो, ओ बोल रहे। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, हर बार यही होता है। अरे क्या मेरे जैसे 82 साल के आदमी के पास इतनी आवाज है? मेरे से लाउडस्पीकर पे बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ माइक के सामने बोल रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही अंतर है पैसे देकर बुलाई गई भीड़ में और उस भीड़ में जो मोदी जी को दिल से चाहती है। इस क्लिप को पूरा देखने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मस्जिद के अंदर महिलाओं के जाने पर पाबंदी क्यों है। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं इस वीडियो क्लिप को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ। मैंने इसे अपने WhatsApp चैनल पर अपलोड कर दिया है। WhatsApp चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप WhatsApp चैनल ज्वाइन करके इस क्लिप को देख सकते हैं। इतने सारे लोग यार कहाँ से आ रहे? सबने कैमरा ऑन किया है। ईद पर अब्दुल 14 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची को बहला फुसलाकर होटल ले जाता है। होटल में अब्दुल उस नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ कर करने ही वाला था, बट उससे पहले जो हिंदू संगठन थे वो पुलिस को ले जाकर होटल में छापा मार देते हैं। फिलहाल लड़की को बचा लिया गया और अब्दुल को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बाकी का लड़की के परिवार वाले काफी मान है, जो कि ईद पर स्कूल कॉलेज व कोचिंग सभी बंद होने के बावजूद भी इसे अब्दुल के साथ कैसे भेज देते हैं। आपकी माँ का निधन हुआ, वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई, तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका। उस मेरी रिहाई नहीं, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया क्रियाक्रम के लिए। आपको पेरोल नहीं दिया, मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया। क्रियाक्रम के लिए भी आपको नहीं भेजा ना? वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं इमरजेंसी के टाइम। वो कहते हैं हमें बोलते हैं तानाशाही, किसने किया था? अपने की दीवान पे झांक कर नहीं देखते हैं। जो भाई वगैरह थे परिवार में लोगों ने किया। 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंद भाई हॉस्पिटल वाराणसी, फिर भी नहीं दिया। किसने मांगा था अभी तक के लिए? किसी ने अपील डाली थी? मैंने लोगों ने कोशिश की कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए ताकि अपनी माँ को देख ले, नहीं दिया।
इतना भी प्यार आइएगा ना, इस वीडियो को शेयर करके जर्मन शेफर्ड तक अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे कि जर्मन शेफर्ड उसके चमचे जान सके कि तानाशाही क्या होती है। वही निकली 12:30 बजे उसको रात ठीक जाना था और रोड पर आई वैगनार कार सिल्वर कलर की, ब्लैक उसके शीशे थे, उसमें हमारी गली का नदीम बैठा हुआ था और दो उसके रिश्तेदार थे, सावेज गाड़ी चला रहा था और समीम भी बैठा हुआ था, और वो फिर मुझे उन्होंने बिठा लिया और वहाँ से लेकर चल दिए। जब हम खुरद गांव में आए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें नशीला पदार्थ था, मुझे पता नहीं था, मैंने पी लिया, मुझे नशा हो गया। जेवरी के जंगल में ले जाकर उन्होंने मेरे साथ बारी बारी से मतलब बलात्कार करा, मेरा रेप करा और मुझे वहीं फेंकाए। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से रोती जीगती उठ कर आई, फिर मैं अगले दिन थाने पहुँची, वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दी कंकरखेड़े थाने, उन्होंने मुझे चौकी भेज दिया, वहाँ उन्होंने पूछताछ करी, मेरे बयान लिए, फिर घटना स्थल पर लेकर गए, जहाँ से उन्होंने नशा करा मुझे दिया कोल्ड ड्रिंक में, वहाँ लेकर गए और फिर लेकर थाने आ गए, पूछताछ करी, फ़ोन पर मेरी वीडियो बनाई, फिर वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरा कोई मुकदमा नहीं लिखा, वहाँ से मुझे भेज दिया। नहीं, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, ऐसी मतलब बात करी फोन पर जैसे आप बना रहे हो, जैसे आप पूछ रहे हो ऐसी पूछताछ करी। थाने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना मेरा मुकदमा लिखा है उन्होंने, मैं यहाँ आई हूँ इसीलिए आई हूँ। कंकरखेड़ा थाना अधिकारी से मैं मिली हूँ, उन्होंने ये कहा है कि आप चले जाओ, हो जाएगा काम, पर्ची ले लेना बाहर से, अभी उन्होंने कोई जवाब। इनका मजहबी लोगों के साथ अच्छा खासा भाईचारा था, जान पहचान थी और उसी भाईचारे को निभाने की वजह से ही उन मजहबियों के साथ कार में बैठ गई और फिर जिहादियों ने इनकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इन्हें अपने मजहब की खूबसूरती का परिचय दिया। आए दिन ना जाने ऐसी कितनी घटना होती रहती है, हम जैसे यूट्यूबर इनकी चर्चा करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं, बट अफसोस की बात है कि सेकुलर लोगों को ऐसी दीदियों को तब तक समझ में नहीं आता जब तक खुद इनके साथ कांड नहीं हो जाता या इनके घर में ऐसा कोई कांड नहीं हो जाता है। हर लड़की को यही लगता है कि उनका लगा गया और उन्हें समझाने वाला, उन्हें नफरत फैलाने वाला नजर आने लगता है और उनके दिमाग के चच्चू तब ही खुलते हैं जब उनके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है। बदायूं में जो मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, उसका क्या हुआ? बलि चढ़े थे और ये जो मोहतरमा के साथ न्यूज़ ही नहीं है, इसी भाईचारे की बलि चढ़ी है। जिन मुस्लिम लड़कों ने इनके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इनके साथ दुष्कर्म किया वो सब इनकी जान पहचान के ही थे, इनका भाईचारा चलता रहता था और अंत में इस भाईचारे का परिणाम इन्हें भुगतने को मिल गया। एक बड़ी खबर ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है, कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों ने समोसों में गाय का मांस मिला दिया। समोसों को लेकर गुजरात के वडोदरा और महाराष्ट्र के पुणे से जो खबर आई है उसे देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक जगह विकृत मानसिकता वाले लोगों ने समोसों में गाय का मांस मिला दिया तो वहीं दूसरी जगह बदला लेने के लिए समोसों के अंदर पत्थर, तंबाकू और यहाँ तक कि कॉन्डम्स तक भर के लोगों को खिला दिया गया। वडोदरा में गौमांस मिलाकर नॉनवेज समोसे बेचने का भांडाफोड़ हुआ है। मामले का खुलासा होते ही दुकान मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वडोदरा में एक मशहूर हुसैनी समोसा सेंटर में गौ मांस मिला है। ये लोग समोसों में गाय का मांस मिलाकर बेच रहे थे। इनकी दुकान पर 300 किलो से ज्यादा गौ मांस मिला है। पुलिस ने इस मामले में समोसा सेंटर के मालिक यूसुफ शेख और नईम शेख समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुणे में भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक निजी कंपनी की कैंटीन में बिकने वाले समोसों में पत्थर, तंबाकू और कॉन्डम्स निकले हैं। इस मामले में रहीम शेख, अजहर शेख, मजहर शेख, फिरोज शेख और विकी शेख को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस तरह का बोर्ड देखने के बावजूद भी इस दुकान पर जाकर समोसा खा रहे थे, इस दुकान पर जाकर समोसे ऑर्डर कर रहे थे, तो भाई तुम्हारे सेक्युलरिज्म को सलाम है। आज सोशल मीडिया पर इस तरह की न जाने कितनी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ एक मजहबी कभी फलों पर थूक रहा है, कभी सब्जियों पर थूक रहा है, कभी उस पर यूरिन करता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी गन्ने के जूस में मीट मिलाते हुए नजर आता है, तो कभी रोटी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है, बट उसके बावजूद भी ये लोग समझ नहीं पा रहे, उसके बावजूद भी यहीं से जाकर सामान खरीदेंगे। अगर ये सब देखने के बावजूद भी तुम किसी हुसैनी अब्दुल के यहाँ से जाकर ये खाने पीने का सामान खरीद रहे हो तो भाई तुम फिर इसी लायक हो। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था, बाप रे कैसे मेंटल लोग हैं, माय गॉड, मानसिक बीमारी से। इसका मतलब यही है कि रिप्यूटेड शॉप से खाना खाइए। हाँ। पहली बात तो है रिप्यूटेड शॉप से कोई प्रॉपर जो पता हो, जिसकी ब्रांड नेम है वहाँ से खाइए, या जहाँ आपको बहुत पता है गारंटेड कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा वो करिए। और काफ़ी कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं विच आर वेरी मतलब बहुत दुख की बात है। और ये भी दुख हुआ देखिए कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। हाँ, पुलिस भी मतलब डरी बैठी भी है कि क्योंकि ऊपर तक कोई मिले हुए हैं उनके साथ, ऑर्डर की प्रॉब्लम है क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बहुत कुछ, इतनी चीजें बता दी एक छोटे से वीडियो में कि कोई देखे तो वो तो देख के बोलेगा कि ये चल क्या रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का नाम ही नहीं है। इतनी हिम्मत बढ़ रही है लोगों की गलत काम करने में, बाप रे। मतलब ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि वार्न करें लोगों को कि अपने आईज ओपन रखिए और थोड़ा
सोच समझ के कार्य करें, जाके देखिए कहाँ से खाना चाहिए कहाँ से नहीं, वो सब सोच समझ के करो। आजकल वो जमाना नहीं रहा, बाप रे, आप किसी का आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते, आपको नहीं पता अंदर से उसके वो किस टाइप का बंदा निकलेगा, बाप रे। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।